अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज़ उमर सुहेल और आप देख रहे हैं मेडिकल वर्ल्ड और आज का हमारा लेक्चर है नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेमेस्टर टू का फर्स्ट यूनिट है तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ये कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव है जो हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है मगर हम इसके जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फर्स्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे और रिमेनिंग वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस और लास्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस तो चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके ज़रिए आप अच्छे से समझ पाएंगे कि फिर नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन कहता है कि मैंने एक बिल्डिंग बिल्ड build करनी है मैंने एक बिल्डिंग तमीर करनी है तो उस बिल्डिंग को बिल्ड करने से पहले वो एक स्ट्रक्चर ड्रा करता है मीन उसका नक्शा बनाता है और फिर उस नक्शे को देखते हुए वो स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करता है मींस बुनियादों से लेकर थर्ड फोर्थ फ्लोर तक जितना भी उसने बिल्ड करना होता है वो बिल्ड करता है इसी तरह जब हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं या नर्सिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं ताकि पेशेंट की जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके इन 1958 फिफ्टी एट एडाजिन और द नर्सिंग प्रोसेस दैट स्टिल गाइड द नर्सिंग केयर टुडे नर्सिंग प्रोसेस को सबसे पहले इडजिन और लैंडो ने स्टार्ट किया था 1958 में जो कि आज भी गाइड करता है नर्सिस को कि नर्सिंग केयर जो है वो कैसे प्रोवाइड करनी है द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अस्टेमेटिक नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टेमेटिक है मींस हम सिस्टम वाइज चलते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फॉर एग्जांपल पहले स्टेप में हम डेटा कलेक्ट करते हैं सेकेंड स्टेप में जो हमने डेटा कलेक्ट किया होता है उसके बेस पर हम नर्सिंग डायग्नोजिस बनाते हैं थर्ड स्टेप में जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना चुके होते हैं उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं फोर्थ स्टेप में जो हमने प्लान किया होता है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और लास्ट स्टेप में हम इवाल्यूशन करते हैं मींस फीडबैक लेते हैं रेशनल रेशनल बेसिकली कहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं इसका मकसद क्या है हम ये काम क्यों कर रहे हैं इसकी वजह क्या है फॉर एग्जांपल किसी भी नर्सिंग इंटरवेंशन को स्टार्ट करने से पहले हम हैंड हाइजीन करते हैं अपने पी को प्रॉपरली सेट करते हैं क्योंकि हो सकता है कि हमें कोई डिजीज़ हो जिससे हमारा पेशेंट अफेक्ट हो सकता है या फिर ऐसा हो कि पेशेंट किसी डिजीज़ के साथ हो और उससे हम इन्फ़ेक्ट हो जाए तो अपनी सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी को देखते हुए हम ऐसा करते हैं सिस्टेमेटिक एंड रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर इट्स गोल इज़ टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस अब इसका गोल क्या है कि क्लाइंट का हेल्थ केयर स्टेटस क्या है मीन्स वो जो अभी हॉस्पिटल में उसने रिपोर्ट किया है वो किस सिम्टम्स के साथ है उस उस उसको क्या क्या मसले हैं एंड एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम एक्चुअल बेसिकली कहते हैं जो करंट प्रॉब्लम हो और पोटेंशियल कहते हैं जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं उनका रिस्क होता है फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आर के साथ रिपोर्ट करता है मीन्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ रिपोर्ट करता है तो उसकी करंट प्रॉब्लम क्या है वो ब्लीड कर रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है कि हेमरेज हो सकता है क्योंकि वो एक्सेसिवली ब्लीड कर रहा है टू इस्टैब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड फिर हमने जो नीड आइडेंटिफाई की होती है उसके लिए हम प्लान इस्टैब्लिश करते हैं एंड डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन और फिर हम स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन डिलीवर करते हैं परफॉर्म करते हैं कि पेशेंट की जो नीड है वो फुलफ़िल हो जाए हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस कि नर्सिंग प्रोसेस का मकसद क्या है हम नर्सिंग प्रोसेस को क्यों फॉलो करते हैं अगर आप नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन को अच्छे से कर लेंगे तो इसका पर्पस भी आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि वही सब कुछ रिपीट हो रहा है इसका फर्स्ट पर्पस है टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ केयर नीड कि जो हमारा क्लाइंट है वो किस किस मसले के साथ हमारे पास आया है उसकी कंप्लेन क्या है उसकी प्रॉब्लम क्या है चाहे वो एक्चुअल हो या पोटेंशियल हम दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं सेकेंड पर्पज है टू आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ केयर नीड एक्चुअल वो जो करंट हो और पोटेंशियल वो जो इन फ्यूचर हो सकती है चाहे वो एक्चुअल हो या फिर पोटेंशियल उन दोनों हेल्थ केयर नीड को हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू नर्सिंग प्रोसेस इसका थर्ड पर्पज़ है टू इस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड अब नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू हम प्लान को इस्टेब्लिश करते हैं मीन्स प्लानिंग करते हैं कि जो पेशेंट की जो नीड है वो फुलफिल हो जाए इसका नेक्स्ट पर्पस है टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन फिर हम जब प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है कि पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो हम उसके लिए क्या इंटरवेंशन करेंगे हम कोई भी स्टीराइल गॉज लेंगे या क्लीन क्लॉथ लेंगे और इस वाउंड पे रखेंगे और फर्मली उसे प्रेस करेंगे अपने पाल ऑफ हैंड से मीन जो हमारी हथेली है तब तक प्रेस करेंगे जब तक कि उसकी ब्लीडिंग रुक ना जाए इसका नेक्स्ट पर्पस है टू डिटरमाइन वेदर टू कंटिन्यू मॉडिफाई और टर्मिनेट द प्लान ऑफ केयर कि जब सारा प्रोसीजर हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं मीन्स लास्ट स्टेप में लास्ट स्टेप में हम फीडबैक लेते हैं और रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग तो अगर तो उसकी नीड फुलफ़िल हो गई है तो फिर तो हम प्लान को टर्मिनेट कर देते हैं अगर उसकी नीड फुलफ़िल नहीं हुई तो हम फिर दोबारा से प्लान बनाते हैं दोबारा से प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं और अगर हम कहें कि कुछ नीड इसकी फुलफ़िल हो चुकी है और कुछ नीड अभी रहती है तो हम रीचेक करते हैं और अपने प्लान ऑफ़ एक्शन को मॉडिफाई करते हैं हमारा थर्ड एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस दम नमोनिक विच डिस्क्राइब देम इज एड पाए ये एक नमोनिक है जो कि इन्हें डिस्क्राइब करता है मींस हम इसे ईज़िली रिम्बर कर सकते हैं ईजीली इसे याद रख सकते हैं फर्स्ट ए से बनता है असेसमेंट जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं डी से बनता है डायग्नोसिंग जिसमें हम नर्सिंग डायग्नोजिस बनाते हैं पी से बनता है प्लानिंग जिसमें हम प्लान करते हैं आई से बनता है इम्प्लीमेंटेशन जिसमें हम नर्सिंग इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और लास्ट में ई से बनता है एवोल्यूशन जिसमें हम फीडबैक लेते हैं पहला है असेसमेंट कलेक्ट डेटा टू टाइप वन इज़ सब्जेक्टिव एंड अदर इज़ ऑब्जेक्टिव डेटा पहले स्टेप में हम डेटा कलेक्ट करते हैं और वो डेटा दो टाइप का होता है एक होता है सब्जेक्टिव जो नॉन मईरेबल होता है और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव जो मैरेबल होता है सब्जेक्टिव वो डेटा होता है जो हमें पेशेंट बता रहा होता है या हम पेशेंट से पूछ रहे होते हैं और ऑब्जेक्टिव वो डेटा होता है जो हम थ्रू इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रोमेंट कलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल वाइटल साइन अब सब्जेक्टिव की भी दो टाइप होती है एक होती है प्राइमरी सब्जेक्टिव डेटा एक सेकेंडरी सब्जेक्टिव डेटा प्राइमरी सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो हमें पेशेंट बता रहा होता है और सेकेंडरी सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो हमें पेशेंट के अटेंडेंट बता रहे होते हैं मीन्स पेशेंट के साथ जो उनकी फैमिली होती है वो बता रही होती है नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइज डेटा अब जब पेशेंट हमें डेटा बता रहा होता है तो वो रैंडमली बता रहा होता है और हम भी रैंडमली लिख रहे होते हैं लेकिन बाद में हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो नर्सिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं वो इजीली हम उसे कंटिन्यू कर सके इसकी सेकेंड एग्जांपल ये है कि जब हम अलमारी में अपने कपड़े रखते हैं अगर तो हम रैंडमली रखेंगे तो बाद में हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी इसके बजाय अगर हम तरतीब से रखेंगे प्रॉपर उनकी जगह सेट करके रखेंगे तो बाद में हमें ढूंढने में भी आसानी होगी थर्ड स्टेप है वैलिडेट डेटा कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम वैलिडेट करते हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट हमें कहता है कि मेरा नाम अहमद है या कुछ भी तो हम उसे कहेंगे कि अपना आई डी कार्ड दिखाओ तो इस तरह ये डेटा वैलिडेट हो जाएगा सेकेंड एग्ज़ाम्पल ये कि पेशेंट हमें कहता है कि तीन साल पहले मैंने एक सर्जरी की थी तो हम उसे कहेंगे कि आप हमें सर्जरी की रिपोर्ट दिखाओ तो इस तरह ये डेटा भी वैलिडेट हो जाएगा और लास्ट में हम डॉक्यूमेंट करते हैं जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट करते हैं नेक्स्ट है डायग्नोसिंग एनालाइज डेटा हम डेटा को एनालाइज करते हैं क्योंकि हमने एक डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनानी है जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है हम उसे एनालाइज करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करते हैं ये वो प्रॉब्लम है जो एक्चुअल होती है मीन्स करंट होती है रिस्क को आइडेंटिफाई करते, है, करते हैं मीन्स पोटेंशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड स्ट्रेंथ कि जो हमारे पेशेंट है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है कितनी ताकत है कि वो इस प्रॉब्लम के साथ अप कर सकता है और लास्ट में हम फार्मूलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट जो कि तीन स्टेप में मुश्तमिल होता है पहला है प्रॉब्लम सेकंड है एटियालॉजी जिसे हम काज़ भी कहते हैं और थर्ड है सिम्टम्स तो चलिए इनके एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम है फीवर और उसके काज़ है कोई भी इंजरी हमारी बॉडी में और इसके सिम्टम्स है हेडेक है डिहाइड्रेशन है और रेज इन बॉडी टेम्परेचर तो उसके डायग्नोस्टिक स्टेट में कैसे बनेगी फीवर इज़ रिलेटेड टू इंजरी एज़ एविडेंस बाय हेडेक रेज इन बॉडी टेम्परेचर एंड डिहाइड्रेशन हमारा थर्ड कंपोनेंट है प्लानिंग प्रियोरिटाइज नीड प्रियोरिटी बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को अहमियत देना या किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ पे फोकियत देना फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया वो पाँच छः सात जितनी भी थी अब हम ये डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट हेल्थ कि हमने किस नीड को पहले फ़ुलफिल करना है मीन्स किस नीड को पहले प्रियॉरिटी देनी है कि जिससे पेशेंट को ज़्यादा फ़ायदा हो फार्मलेट द प्लान इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल कि जो हम प्लान बनाते हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है अब वो डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन पे शॉर्ट टर्म गोल बेसिकली वो होते हैं जो ड्यू हमारे ड्यूटी टाइम में ही ख़त्म हो जाए और लॉन्ग टर्म गोल हम बनाते हैं किसी क्रोनिक पेशेंट के लिए लाइक like कोई डायबिटिक का पेशेंट हो या कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट हो उनके लिए हम लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं सेलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन और हम नर्सिंग इंटरवेंशन को सेलेक्ट करते हैं यहाँ जस्ट सेलेक्ट करते हैं इम्प्लीमेंट नहीं करते हमारा फोर्थ कंपोनेंट है इम्प्लीमेंटेशन रियसिस द क्लाइंट हम क्लाइंट को रियसिस करते हैं हम देखते हैं कि क्लाइंट की कंडीशन में कोई चेंज तो नहीं आया अगर तो कोई चेंज आया होता है तो हम अपने प्लान ऑफ एक्शन में भी चेंज लाते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हेल्थ सेकेंड हम पेशेंट के पार्टिसिपेशन को देखते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो पार्टिसिपेट कर भी रहा है या नहीं हम पेशेंट को बताते हैं कि ये प्रोसीजर आपके लिए इम्पॉटेंट है इससे आपको फ़ायदा होगा और इसकी पार्टिसिपेशन को इन्वाल्व कराते हैं मीन लाजमी बनाते हैं डिटरमाइन नर्सिस नीड फॉर असिस्टेंस और हम देखते हैं कि जो नर्सिस प्रोसीजर कर रही है वो अकेले कर भी लेगी या किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है फॉर एग्ज़ाम्पल एक नर्स है जो कि एक पेशेंट को दूसरे बेड पे ट्रांसफ़र कर रही है अब अगर वो अकेले नहीं कर सकती तो वो किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेगी मीन्स किसी असिस्टेंस की हेल्प लेगी इम्प्लीमेंट नर्सिंग ऑर्डर और जो हमने नर्सिंग इंटरवेंशन बनाई होती है हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं इवॉल्यूशन हमारा फिफ्थ एंड लास्ट कंपोनेंट है इवॉल्यूशन कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू आउटकम्स हम डेटा कलेक्ट करते हैं रिलेटेड टू आउटकम्स मीन्स हम पेशेंट से पूछते हैं कि जो अभी हमने प्रोसीजर किया उसके बाद आप कैसा फ़ील कर रहे हैं मीन्स आपकी सेहत में कोई चेंज आया या नहीं कंपेयर डेटा टू आउटकम्स जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो हम आउटकम के साथ कंपेयर करते हैं लाइक like, हमने प्लानिंग के फेज़ में गोल बनाए थे कि हमारे इतने गोल हैं और इनको हमने अचीव करना है तो यहाँ आके हम देखते हैं कि हमारे उन गोल में से कौन कौन से पूरे हो गए हैं और कौन से रह गए हैं डिस्कस वैदर टू कंटिन्यू अगर तो पेशेंट की सेहत में कुछ इन नहीं आया होता उसकी नीड फुलफ़िल नहीं होती तो हम अपने प्लान ऑफ़ एक्शन को कंटिन्यू करते हैं और अगर उसकी कुछ नीड फुलफ़िल हो गई और कुछ रहती है तो हम प्लान ऑफ़ एक्शन में मॉडिफिकेशन लाते हैं मीन्स उसे मॉडिफाई करते हैं और टर्मिनेट द प्लान और अगर पेशेंट की नीड फुलफ़िल हो गई तो हम अपने प्लान ऑफ़ एक्शन को टर्मिनीट करते हैं हमारा ये जो नर्सिंग प्रोसेस का यूनिट है ये काफ़ी लेंथी है इसलिए हम इसे मुख्तलिफ़ पार्ट में डिवाइड करके रीड करेंगे तो इसके कुछ कोर अब्जेक्ट हमने अपने इस वाली वीडियो में पढ़ लिए और जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग